मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि आर्ट मेरा फेवरेट सब्जेक्ट रहा है। चित्र बनाने का मुझे बहुत शौक था। ये पेंसिल से बना हुआ ये चित्र उस वक्त का जब मैं कक्षा 5 में था। ये चित्र मैंने निशानी के तौर पे, यादगार के तौर पे अपने एल्बम में लगा रखा है। ये तस्वीर भी मेरी उसी वक्त की है जब मैं कक्षा 5 का तालिब इल्म था। और ये भी उसी वक्त की देन है। ये चित्र पेंसिल से बने हुए हैं। देखिए ये पेंसिल से बना हुआ चित्र, एक दिन में एक लड़की की तस्वीर बनाने की कोशिश की मैंने, और दूसरे दिन जो एक आँख मारने की कोशिश कर रही है और यह आँख मारती दिखाई दे रही है, सामने ही दिल में तीर चुभा हुआ है। इस तस्वीर में एक साबुत दिल है और ये बाद में टूटा हुआ दिल है, और ये सामने टूटा हुआ आईना है। यहाँ मैंने ये बताने की कोशिश की है कि इस तरह दिल भी टूट जाते हैं, जैसे शीशे के टुकड़े पड़े हुए हैं इस साइड में और इस साइड में दिल के टुकड़े पड़े हुए हैं। एक साड़ी के दिल का चित्र, मुझे ग्रीटिंग्स वगैरह बनाने, ख़रीद के लाने और बांटने का भी बहुत शौक़ रहा है। ये ग्रीटिंग्स उसी वक्त के हैं और इसी बात की निशानी है। ये ग्रीटिंग्स में निशानी के तौर पे और यादगार के तौर पे अपनी एल्बम में लगा रखें। ये तस्वीर मेरे गरीब खाने के ताबीर होने के बाद की है, और ये तस्वीर भी मेरे गरीब खाने के बाद ताबीर होने के बाद की है। ये तस्वीर मजबूर मोहब्बत की शूटिंग के दौरान उस बिल्डिंग की है जिसमें हमने शूटिंग की थी, वहीं ताजमहल बना हुआ था दीवार पर। ये तस्वीर भी उसी बिल्डिंग की है और ये तस्वीर भी मजबूर मोहब्बत की शूटिंग के दौरान की। ये तस्वीर हाशमी डिग्री कॉलेज की है, हाशमी पीजी कॉलेज की, ये भी शूटिंग मजबूर मोहब्बत के दौरान की है। और ये तस्वीर भी तमाम एक्टरों के साथ हाशमी डिग्री कॉलेज की है, मजबूर मोहब्बत की शूटिंग के दौरान की है। ये एक वीडियो एल्बम हमने जो मनकबत की थी साबिर पाक पर रिलीज़ की थी, इसको अनुमान था मेरे मखदूम साबिर ने निराली शान पाई है। ये इफ्तखार कव्वाल की आवाज़ में थी। ये दूसरी एल्बम शैला साहब रहमतुल्लाह अलैह के मनकबत की थी, जो हम रहा मौजूद है और तमाम दुनिया में मशहूर मारूफ है। इस पे भी आवाज़ इफ्तखार कव्वाल ने दी थी। और ये मेरी डीवीडी का पोस्टर है, डीवीडी की
कवर का पोस्टर है, जिसमें एक फिल्म मजबूर मोहब्बत, एक गरीब की मोहब्बत, एक तुझे कुछ कैसे मैं भुलाऊँ एल्बम और एक ऐत वफा एल्बम को शूट करके बेचा गया था। ये मेरी उस पिक्चर फिल्म का फोटो है जिसे लोग मजबूर मोहब्बत के नाम से जानते हैं। ये अमरोहा के कलाकारों की पहली देसी फिल्म थी जिसमें सब कुछ अमरोहा का था, एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, फाइनेंसर, संगीतकार, गीतकार, फाइनेंसर, सब कुछ अमरोहा का था। इसलिए अमरोहा की पहली देसी फिल्म कहा जा सकता है। ये फिल्म 2 साल पहले माधव आनंद महल अमरोहा में रिलीज़ हुई थी। इस फिल्म में मैंने हीरो का रोल प्ले किया था। एक त्रिकोणीय लव स्टोरी पर आधारित है। एक पूरी तरह से एक फैमिली फिल्म है।